अक्सर ये सवाल लोग पूछते हैं कि स्टेंट कितने दिन तक चलेगा, तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि स्टेंट का लाइफ, अगर ठीक से आप जीवन शैली रखते हैं, खान पान ठीक से रखते हैं और दवाइयाँ टाइम पर खाते हैं, तो स्टेंट जीवन भर चलता है। स्टेंट में कोई बैटरी नहीं होती, एक स्प्रिंग की तरह होता है जो आपके नस को खोल देता है, उसके ऊपर एक नई चमड़ी बन जाती है। और अगर आप सही टाइम पर दवाई खाते रहें, जीवन शैली ठीक रखें, खान पान ठीक रखें, तो स्टेंट जीवन भर चलता है। अब कुछ लोग होते हैं जिनमें बंद होने की समस्या ज़्यादा होती है, वो जेनेटिकल रूप से होते हैं, या कुछ लोग सिगरेट पीना नहीं छोड़ते हैं, तो वैसे लोगों में फिर से या तो स्टेंट के ऊपर भी नया ब्लॉकेज आ सकता है, या नई आर्टरी है उसमें भी ब्लॉकेज आ सकता है। ये समय सीमा निर्धारित कोई नहीं कर सकता है, किसी में जल्दी आ सकता है, किसी में हो सकता है 10 साल के बाद हो। जो दूसरी बात है कि खान पान कैसे रखें, ये भी बहुत बड़ी एक सवाल है लोगों में। तो हम जब एंजियोप्लास्टी यहाँ से करते हैं तो पेशेंट को जनरली 6-7 दिन के बाद फिर बुलाते हैं। 6-7 दिन के बाद हम पेशेंट को चलने के लिए, घूमने के लिए सारी चीज़ें इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के हिसाब से अलाउ करते हैं, जिसमें आप धीरे धीरे योगा करना, पैदल चलना शुरू कर सकते हैं, और 1 हफ्ते 1 महीने के बाद आप नॉर्मल जो आधे घंटे वॉक करना, जितना आपकी कैपेसिटी है आप उतना वॉक कर सकते हैं, सीढ़ी चल सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। झुकने से, हिलने डुलने से स्टेंट में कोई भी प्रभाव नहीं होता है, ना वो कहीं डिस्प्लेस होता है। उसके बाद रहा खान पान, तो कई लोगों को ये रहता है कि नॉनवेज खाएं या ना खाएं, तो रेड मीट वाले जो भी जो लोग पसंद करते हैं तो उनको हम बोलते हैं रेड मीट नहीं खाएं। अगर खाने की इतनी इच्छा है तो महीने 2 महीने पर कभी एक बार खा लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चिकन खाते हैं तो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के हिसाब से हफ्ते में आप 2 पीस मछली या फिर 2 पीस चिकन खा सकते हैं। अंडा हफ्ते में 2 से 3 दिन खा सकते हैं। एक और सवाल होता है कि तेल कौन सा यूज करें, तो तेल के लिए सिंपल सा हमारा रहता है कि एम्स में स्टडी हुई थी जिसमें बताया गया कि घी और सरसों का तेल सबसे बढ़िया है इंडियन लोगों के लिए। अगर कोई इसके अलावा यूज करना चाहते हैं तो वो ग्राउंडनट ऑयल या फिर जो ब्रैंड ऑयल होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, उसको आप बदल बदल कर तेल को यूज कर सकते हैं। कभी सरसों तेल यूज किया, कभी ब्रैंड ऑयल, कभी ग्राउंडनट ऑयल, ये बहुत बढ़िया होता है। जहाँ तक सवाल, एक और सवाल होता है ऑलिव ऑयल की, तो ऑलिव ऑयल को हम बहुत हाई टेम्परेचर पे खाना नहीं बना सकते हैं। अगर हम हाई टेम्परेचर पे ऑलिव ऑयल में खाना बनाते हैं तो वो सेचुरेटेड फैट होता है, जो कि एक डालडे के बराबर होता है। इसलिए अगर आप जनरली, हम जो इंडियन डीप फ्राइड खाना खाते हैं, ऑलिव ऑयल उसके लिए बढ़िया नहीं। ऑलिव ऑयल सिर्फ आप सैलेड में या फिर खाना आपने बॉयल किया हुआ है उसके ऊपर से डालें और उसको सेवन करें। यही मैं एडवाइस देना चाहता हूँ सबको।